हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा सेशन है बहुत ही स्पेशल सेशन है। पिछले कई समय से आप बच्चे बोलते हैं कि सर निमसेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक सेशन लीजिए या एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ये जो सेशन है ये कंप्लीट एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली निमसेट की जो न्यू गाइडलाइन आई है एज पर S23 के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बताऊंगा, CUT के बारे में बताऊंगा, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन बातों को ध्यान रखना है यदि आप स्टडी कर रहे हैं और आप एमसीए एज अ करियर ऑप्शन सोच रहे हैं, तो मैं आपको बात बोलूंगा कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सेशन ध्यान से सुनिए, इनफैक्ट इसको सेव करके रखिए इस वीडियो को, क्योंकि जब भी आप एमसीए के लिए बारे में सोचेंगे तो ये सेशन आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और मैंने अक्सर ये देखा है कि मैं जो वीडियो सेशन में बताता हूं वही क्वेश्चन जब बच्चे कमेंट से पूछते हैं तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं सुनने में कमी हुई है। तो आप हर एक बात को ध्यान से सुनिए, फिर भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो जरूर पूछिएगा, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अबाउट निमसेट, निमसेट के बारे में हम बात करते हैं। और देखिए ये इंपिटस गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट और ये उसका नंबर है, कभी भी आपको लगे तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये निमसेट जो है वो NITs के लिए है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। जिस तरह से बच्चे ट्वेल्थ के बाद IIT JEE का एग्जाम देते हैं, और JEE में दो फेसेस होते हैं, फेज 1 फेज 2। फेज वन होता है NITs के लिए और उसी में से जो कट ऑफ क्लियर करते हैं वो एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। सेम थिंग, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती है कि MCA को NIT से जाके भी किया जा सकता है। मैं इतने सालों से ले रहा हूं, आज इंपिटस गुरुकुल MCA के लिए एक नॉन इंस्टीट्यूट है, तो मैंने देखा है कई सारे बच्चों को यह पता ही नहीं होता कि NIT से भी MCA कर सकते। तो यानी यदि आपका 11th 12th में मैथ सब्जेक्ट था और किसी कारण से आपका IIT में नहीं हुआ, या उस समय आपने NIT प्लान किया था नहीं हो पाया, या कोई बच्चा ऐसा जिसका कि कॉमर्स था, या कोई बच्चा ऐसा जिसका आर्ट्स था, ऐसा कोई भी बच्चा जिसका बाई चांस साइंस सब्जेक्ट नहीं था, वो भी अगर आगे जाके टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो MCA इज अ बेस्ट करियर ऑप्शन, और वो भी NIT से जाके भी कर सकते हैं। और नॉट ओनली NIT, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में वन बाय वन बात करूंगा। तो अभी एज पर नाउ अभी 10 NITs हैं जो कि MCA कंडक्ट करती हैं। NIT अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, रायपुर, सूरतकल, त्रिची एंड वारंगल, ये इसमें प्लस माइनस कई बार होता रहता है। ये मैं आपको 23 के हिसाब से बता रहा हूं। ये पार्टिसिपेंट NITs हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, लास्ट ईयर तक, और ये भी इंपिटस में हमेशा मैं बोलता हूं कि जो चीज हमें लगती है हमें मैसेज करना चाहिए, मेल करना चाहिए, उसका फायदा भी मिला। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो NITs ने रिलैक्सेशन दिया हुआ, यानी अब निमसेट को कॉमर्स ग्रेजुएट बच्चा भी दे सकता है, आर्ट्स ग्रेजुएट भी दे सकता है, BCA वाला, BCA वाला, BSc वाला सब दे सकते हैं। पर क्या क्राइटेरिया है समझिएगा, ये न्यू क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए वैसे सेशन मैंने पहले भी लिए, पर 23 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चेंज हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और 6.5 CGPA ऑन 10-point स्केल। मतलब यदि आपका कॉलेज में पॉइंटर सिस्टम है तो आपका 6.5 होना चाहिए CGPA 10 के स्केल पर, और यदि आप परसेंटेज वाले हैं तो 60% होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 55% मार्क्स और 6 CGPA होना चाहिए। किसके लिए? केवल SC ST PWD। कई बार बोलते हैं OBC वाले सर हम भी हैं क्या, नहीं, क्लियरली मेंशन है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि NEUG प्रोग्राम, ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। यानी ये क्लियरली लिखा NEUG प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 ईयर विथ ध्यान से पढ़िएगा मैथमेटिक्स / स्टेटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी अगर आपके ग्रेजुएशन लेवल पे NEUG प्रोग्राम, कोई भी यूजी प्रोग्राम कर रहे हैं, एनी मतलब एनी, BSc, BCom, BA, BCA, BBA, BSc IT, BC, कोई भी, ऐसे आजकल बहुत सारे क्योंकि यूजी कोर्सेज हो गए तो उन्होंने इसलिए वर्ड लिख दिया। पहले क्या होता था, बहुत लिमिटेड वर्ड होते, बहुत ही लिमिटेड कोर्स होते थे यूजी में, अब ऐसा नहीं है। तो बहुत ही लिमिटेड होने की वजह से ऐसा था, अब इतने सारे हो गए तो उन्होंने लिखा NEUG प्रोग्राम, और उसमें भी क्लियरली मेंशन कर दिया बस आपके पास एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 1 ईयर मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स, 1 ईयर या 1 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होना चाहिए।
इसका मतलब अब ट्वेल्थ मैथ्स वाले, कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं है, हम बीसीए कर रहे हैं, वन ईयर मैथ्स है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं? मैं कहूंगा एलिजिबल हैं एज पर न्यू गाइडलाइन, जो मैं आपको बता रहा हूं वो न्यू गाइडलाइन के हिसाब से। और अगर हम पिछले सालों की हिस्ट्री देखें तो निमसेट ने रिलैक्सेशन दिया है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि चीजें कम हुई है, बढ़ी हैं, यानी इस प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होने वाला, हो सकता आने वाले समय में और रिलैक्सेशन हो जाए। अभी के लिए हम देखें तो एज पर गाइडलाइंस अभी एनी यूजी प्रोग्राम, बार बार स्ट्रेस लिए दे रहा हूं कि सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन अगर इंपिटस गुरुकुल में बच्चे करते हैं तो एलिजिबिलिटी को लेके करते हैं, और ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दूंगा, क्योंकि क्या होता है जब आप निमसेट एलिजिबिलिटी लिखते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट की जगह नॉन ऑफिशियल वेबसाइट खुलती है और उसमें कई बार 10 साल पुरानी चीजें लिखी होती है। हाईएस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमारा ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं है, पर उसमें लिखा है ट्वेल्थ मैथ्स वाले ही एलिजिबल होंगे। मैं बोलता हूं कहां देखा सर, इस वेबसाइट पे देखा, उस पे। मैं बोलता हूं ऑफिशियल पे देखा, नहीं। इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल दूंगा, जो मैं बता रहा हूं आप उसको भी चाहें तो वेरीफाई करें, फिर उसके बाद डिसाइड करें, क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर बिफोर एग्जाम हमें उसकी सही सटीक जानकारी नहीं है, अगर हम यही नहीं जाने कि हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए तो हम उस एग्जाम को क्रैक कैसे करेंगे। तो ये सेशन का पर्पज है कि मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊं जिससे कि आप इस एग्जाम को वेल तरीके से प्रिपेयर कर पाएं, अपने आप को मेंटली तैयार कर पाएं। तो इसका मतलब ये हुआ एनी यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 ईयर विद मैथमेटिक्स ऑब्लिक स्टेटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट। और अब क्योंकि एनआईटीज में प्लेसमेंट बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो जो बच्चे बीई बीटेक प्राइवेट कॉलेज से करते हैं नॉर्मली, अब वो भी एमसीए की तरफ अपने आप को टर्न कर रहे हैं पीजी प्रोग्राम में। अभी तक क्या होता था कि आपने देखा होता था ग्रेजुएट बच्चे एमबीए में या एमटेक वगैरह में जाते थे, पर अब एमसीए में भी जा रहा हूं स्पेशली एनआईटीज के लिए, तो इन्होंने एक लाइन अलग से जोड़ दी, बी बीटेक फ्रॉम एनी रेगुलर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं सीजीपीए का, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी एज पर गाइडलाइन ये नंबर ऑफ सीट्स हैं कि 10 एनआईटीज में कहां कहां कितनी सीट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि त्रिची में कितनी है, वारंगल में कितनी और किस कैटेगरी में कितनी है। अब बात करते हैं टेस्ट पैटर्न की। देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें उसके बारे में एक सटीक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हम किस ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सेकंड स्टेप है। पहले हमारी तैयारी होना चाहिए कि हम अपने आप को सही गाइडलाइन के साथ तैयारी करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 12 मार्क्स का करेक्ट नंबर होते हैं, मतलब राइट ना के 12 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग के 3 यानी 600 मार्क्स। यानी अगर केवल मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स अकेला पूरे निमसेट में 60% को कवर करता है। फिर मैथ्स के बाद बात की जाए लॉजिकल रीजनिंग की, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, पर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 1.5 नेगेटिव मार्किंग होती है और टोटल 24 यानी 24% का एलआर है। एज पर न्यू गाइडलाइन न्यू पेपर कंप्यूटर के अब 20 क्वेश्चन कर दिए हैं, 6 मार्क का ही है और 1.5 नेगेटिव है, तो 120 मार्क्स का है यानी 12% का कंप्यूटर पोर्शन है। और जनरल इंग्लिश की बात की जाए तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स का एक है, 1 नेगेटिव होगा और 40 मार्क्स आएंगे यानी 4% का कंप्यूटर है, इंग्लिश है। तो मैथ्स 60% सिलेबस को कवर करती है। अगर कोई बच्चा 100% मैथ्स अच्छे से कर ले और 100% पेपर में मैथ्स कराए तो मान के चलिए उसके सिलेक्शन के चांसेस भी लगभग 100% के आसपास मान सकते हैं अगर वो नेट कर रहा है तो। पर फिर भी हर सेक्शन की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। रीजनिंग 24% है, कंप्यूटर 12% है और इंग्लिश 4% है। तो जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम नहीं होता है या जो बच्चे इंग्लिश में वीक है, पहले ध्यान रखें केवल 100% में 4% पार्ट जो है वो रीजनिंग इंग्लिश का है, 96% पार्ट आपके डोमेन का है। अगर आप कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि सर हमारा कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, 12% भी हटा दें, तो केवल मैथ्स और रीजनिंग 84% को कवर करती है। मैथ्स और रीजनिंग अगर 84% को कवर करती है, अगर हम पिछले 12-13 साल के ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कोई भी बच्चा अगर 60% या उससे ऊपर स्कोर कर रहा है तो वो थ्रू आउट एनआईटी उसको मिलता ही आ रहा है, टफ से टफ पेपर में, इजी से टफ पेपर में नॉर्मली 30-40% जाता है, 30-40% और इजी पेपर में 50-60%। यानी अगर हम पिछले सालों की हिस्ट्री देखें तो 30-40% वाले बच्चों को भी एनआईटी मिला है और 50-60 वाले को भी मिला है, डिपेंड ऑन लेवल ऑफ पेपर।
और अगर इस बात को ध्यान से समझें तो ये पार्ट आप 84% से कवर कर सकते हैं। ये बात मैं केवल उनके लिए बोल रहा हूं जिनका बाय चांस कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं रहा है। वैसे इन जनरल अब देखा जाए तो 9th 10th से कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दी गई है, और भले ही आप कंप्यूटर वाले ना हो, बीएससी प्लेन हो, बीएससी मैथमेटिक्स, तो भी कंप्यूटर पोर्शन में इतना आता है बच्चों को आज की डेट में, जो 5-10% को कवर करता है। पर मैं आपको बहुत जनरल बातें बता रहा हूं, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, इस पैटर्न को ध्यान रख के अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यानी आपकी स्टडी का 60% अगर मैथ्स है तो आपको 80% टाइम मैथ्स में देना चाहिए, 15% टाइम आपको रीजनिंग में देना चाहिए, क्योंकि 80% टाइम अगर मैथ्स में देंगे, जिन बच्चों की मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है उनका बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के ये स्ट्रांग होने लगता है। अगर आप 80% टाइम अपनी पढ़ाई का मैथ्स को दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप लॉजिकल एबिलिटी को भी दे रहे हैं। फिर भी मैं 15% बोलूंगा इसको दे दीजिए, एंड रिमेनिंग 5% में आप कंप्यूटर और ये करें। तो अगर आप सही प्लानिंग के साथ किसी एग्जाम की तैयारी में उतरते हैं तो सफलता के चांसेस भी उतने ही बढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, जो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जिस एग्जाम को हम देने जा रहे हैं अगर हमें उसके सिलेबस के बारे में ही सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम उसके सिलेबस को ही अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं। तो सिलेबस में मैथ्स के 50 क्वेश्चन में एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड वेक्टर, ये मैथ्स के परसेंट सिलेबस का पार्ट है ना। एल्जेब्रा में क्या क्या है वो भी सब मैंने एक अलग से स्लाइड भी ली है। फिर लॉजिकल रीजनिंग में उन्होंने लिखा एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन, लॉजिकल सिचुएशन, पजल्स वगैरह इसमें होते हैं। फिर कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है, जिसमें कंप्यूटर बेसिक और डेटा रिप्रेजेंटेशन है, और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं। अब इसको मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि आपको पढ़ने का ऑर्डर क्या रखना चाहिए, क्योंकि ये सेशन कंप्लीट एलिजिबिलिटी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को किस डायरेक्शन में ले जाए उसको लेके। किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले उसको एलजेब्रा पढ़ना चाहिए। एलजेब्रा में इंडाइसेस, लॉग, लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, सेट थ्योरी, कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, यानी एलजेब्रा के ये 7 टॉपिक्स हैं जिनको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हमारा मैथ्स वीक है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको 9th और 10th की बुक से पढ़ना चाहिए, वो भी मैंने लिए, इसमें बुक्स के नाम भी लिए, इसमें मैंने बुक्स के नाम भी लिए इमेजेस के साथ, सब दिखाऊंगा आपको। पर अगर आपका मैथ्स एवरेज है तो आप पीछे से जाएं, अगर आपका मैथ्स ठीक है तो आप सीधे 11th 12th की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जब लंबी छलांग मारनी होती है तो पीछे की दौड़ भी उतनी ही लंबी होती है। आप ये मत सोचिए कि टफ बुक या गाइड सॉल्व करने से सिलेक्शन होगा, ये मिसकंसेप्शन है। सही प्लानिंग और सही तरीके से कंसेप्ट बनाने से बच्चों का सिलेक्शन होता है, और इस सब के लिए मैं आपको हर जो छोटी छोटी बात बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। तो एलजेब्रा की बात की जाए तो एलजेब्रा के ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को इसी ऑर्डर में स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपने इसमें एक चीज देखी, बाइनोमियल थ्योरम नहीं है सिलेबस का पार्ट, या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, पर इसका भी बेसिक करना चाहिए। अभी मैं केवल सिलेबस की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस। एलजेब्रा के बाद अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग हर किसी बच्चे को डर लगता है, पर मैं एक सजेशन दूंगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको डर लगता है या कमांड नहीं है तो आप 9th और 10th की बुक की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद ही 11th की बुक उठाइएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लगभग अगर आप मुझसे पूछे कि इसको टाइम कितना देना चाहिए तो मैं बोलूंगा कोई भी चीज को जल्दी करने से कमांडिंग नहीं आती, धीरे धीरे करिए, भले ही मैथ्स के 2 टॉपिक एक साथ करिए। लगभग आपको 2 मंथ के आसपास एलजेब्रा को टाइम देना चाहिए, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है, बाकी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। ये मैं जनरल बात बोलता हूं, देखिए जो मैं बोल रहा हूं आप सभी बच्चों को कैटर करते हुए बोल रहा हूं, पर किसी का मैथ्स अच्छा तो हो सकता है वो 1 महीने में एलजेब्रा कर ले, किसी का वीक है तो वो 3 महीने में करे, नो प्रॉब्लम। आप टाइम कितना ले रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आप अगर कवर कर ले तो फिर आपको जब क्वेश्चन मिले या कोई भी गाइड मिले तो आपको 80% क्वेश्चन बनने चाहिए। और किस लेवल की पढ़ाई करनी है, किस लेवल के क्वेश्चन करने, अभी इस पे भी आऊंगा। मैंने कहा ना ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि टफ क्वेश्चन से आपको एलजेब्रा आ जाएगी, जी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने होंगे, कंसेप्ट के साथ थ्योरी। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री लगभग 30 से अगर आप 45 डेज का टाइम देते हैं तो इज अ गुड टाइम,
और अच्छे से इसको फॉर्मूले पढ़िए। जब एक बार कैलकुल एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री हो जाए देन स्टार्ट कैलकुलस। कंप्लीट कैलकुलस है जिसमें फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, है ना, फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस ऑर्डर में आप कैलकुलस को कवर करिए। अब ये तो 9th-10th की बुक से करेंगे, यही एक बेस को पीछे ले जाते हैं। कैलकुलस 11th से स्टार्ट होती है, वहीं से पढ़िए। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसके बाद अब इसको भी कैलकुलस को भी 2 मंथ तो देना चाहिए। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। कोऑर्डिनेट से कई बच्चों को डर लगता है, पर अभी अच्छी बात यह कि 9th और 10th में भी कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करिए। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, है ना। इस तरह से आप सर्कल को कवर करें, कोऑर्डिनेट को कवर करें सॉरी, और लगभग 1 मंथ में आप लोग कवर करने की कोशिश करें। एंड देन उसके बाद बात करते हैं वेक्टर और स्टेटिस्टिक्स की। वेक्टर भी 11th-12th का टॉपिक है, वेक्टर अलजेब्रा, डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। स्टेटिस्टिक्स में सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन, ये भी लगभग आप अभी क्योंकि कर रहे हैं तो 1 महीने में कवर कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल ड्यूरेशन देखें मैथ्स को कवर करने में, तो 1 मंथ, 1+1=2, 2+2=4, 4+2=6, +1=7, और एक और ले लें तो 8। यानी आप 8 महीने में अगर सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 8 मंथ में आप पूरी मैथ्स को कवर कर सकते हैं, जो करना चाहिए प्रॉपर टाइम देते हुए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब बात की बात है, पर इतना आप समय लेते हैं। अब आप मान लीजिए 24 के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए यही, मतलब कमिंग ईयर के लिए 25 के हैं तो भी आप इसी ऑर्डर को फॉलो करो। सिलेबस खत्म करो, फिर सिलेबस खत्म करो, फिर करो। जैसे मैं हमेशा करता हूं इम्पिटस के साथ, यही होता। मैं ये नहीं कहता कि 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में करो, उससे कमांड नहीं आता। आप कंप्लीट करो फिर रिवाइज करो, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है हम पढ़ते हैं फिर भूलने लगते हैं, तो जितना रिविजन होगा उतना अच्छा। तो लगभग 7 से 8 मंथ में एक नॉर्मल बच्चा जिसकी मैथ्स वीक है वो कवर कर सकता है, और एक बच्चा जिसकी मैथ्स अच्छी है वो 5 से 6 मंथ में सिलेबस को कवर कर सकता है। ये एक जनरल बात है। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स के साथ मैथ्स ही करते रहना है। अब मैथ्स को कितना टाइम देना है, कम से कम आपको ये जो मैं बता रहा हूं इसमें 4 आवर का स्टडी सेशन आपको रेगुलर मेंटेन करना चाहिए। यानी अगर आप 4 आवर की स्टडी कर रहे हैं पर डे और इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। अब इसके पैरेलली आपको जो चीज करनी है वो है लॉजिकल रीजनिंग। यानी अगर मैंने आपको बोला है कि 6 to 8 मंथ में आप मैथ्स कवर करें, तो इसका मतलब है आप 6 to 8 मंथ में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी कवर करें। जस्ट स्पेंड 1 आवर 3 डेज इन अ वीक, 3 to 4 डेज बहुत है। अगर आप 1 घंटा हफ्ते में 3 दिन दे रहे हैं, 1 घंटा रोज, 1 घंटा और हफ्ते में 3 दिन, यानी 3 घंटे भी आप दे रहे हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स के एक टॉपिक को कवर करने में जितना टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल जितने दिनों में आप एल्जेब्रा कवर करते हैं, अगर लगातार आप पूरी क्वांट और रीजनिंग को पढ़ें तो उससे जल्दी कवर हो जाती, क्योंकि रीजनिंग के टॉपिक छोटे होते हैं। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा कि आप 3 दिन का एक शेड्यूल रखें और 1 घंटे का टाइम दें और अभी से इसकी प्रिपरेशन करें। तो लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल वेन डायग्राम, नंबर रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, सिचुएशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग वन, लॉजिकल सिक्वेंस एंड लॉजिक सिलोजम, ये टॉपिक मेजर है। अगर बात करूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, SCF, LCM, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन क्लॉक, प्रॉब्लम ऑन कैलेंडर, नंबर सिस्टम्स, टाइम वर्क वगैरह, ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, राइट? अब इसको भी पर आप 1 घंटे का टाइम देते हुए हफ्ते में 3 दिन का बस समय लीजिए, बिल्कुल टाइमली आप मैथ्स के पैरेलली इसको कम से कम 3 टाइम रिवाइज कर लेंगे। मैं ये और भी बता रहा हूं, अगर आप 1 घंटे हफ्ते में 3 दिन देते हैं तो 6 से 8 महीने में मैथ्स 1 बार करोगे, पर QALR कम से कम आप 2 बार कवर कर लेंगे, उससे ये भी एक एंड मजबूत हो जाएगा। यानी आप 6 to 8 मंथ में 60% मैथ्स वाले, मतलब 60% पेपर का पार्ट मैथ्स का पूरा कवर करते हैं और साथ में 24%, यानी आप 8 महीने बाद एक वीक से वीक स्टूडेंट 84% को अपने सही तरीके से कवर कर सकता है, अगर
वो वेल प्लांट होके प्रिपरेशन कर रहा है तो एंटीसीप्लेन रेगुलर 4 आवर मिनिमम उसको देना है, मैक्स की कोई लिमिट नहीं। आप 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े। कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा स्कूल कॉलेज होता है, कॉलेज भी जाना होता है, असाइनमेंट भी होते हैं। होते हैं, आप कॉलेज जाओ, 6 घंटे का कॉलेज, 6 घंटे का कॉलेज का स्टडी 12 घंटे हुए, 6 घंटे की नींद 18 घंटे हुए, 2 घंटे की अदर एक्टिविटी 20 घंटे, 4 घंटे बचे ना। और हर दिन कॉलेज नहीं होता, सैटरडे संडे कॉलेज नहीं होता, किसी दिन छुट्टी उस दिन नहीं होता। आपका मैनेजमेंट आपके हाथ में। और ये तो 6 घंटे कॉलेज और 6 घंटे कॉलेज की पढ़ाई में बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली कोई बच्चा एग्जाम के पहले तक कॉलेज के लिए 6 घंटे नहीं देता। तो आप 4 घंटे निकाल सकते हैं, और अगर आप निकालते हैं तो आप फाइनल ईयर के साथ एग्जाम भी क्रैक करते हैं, आपका ड्रॉप बचता है। आप 25-26 मतलब 2 या 3 साल बाद एग्जाम देने वाले, आपको इसी मॉडल को फॉलो करिए, आप 100% फाइनल ईयर के साथ सिलेक्शन दोगे। केवल ड्रॉप उन बच्चों को अक्सर लेना पड़ता है जो लेट ज्वाइन करते हैं या जो डिसिप्लिन में पढ़ाई नहीं करते। जो मेरा अनुभव है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं, प्लान तो किया सेल्फ करेंगे ये करेंगे, पर कुछ पता ही नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, पता ही नहीं कि हम स्टैंड क्या कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें हर हफ्ते ये पता करना जरूरी है कि हमारी स्टैंडिंग क्या है। यदि आप सोचो किसी रेस में आपको पार्टिसिपेट करना है और उसमें जीतना है, और आप अपने तरीके से दौड़ रहे हो और अपने टाइम को कम कर रहे हैं, पर आप ये देख ही नहीं रहे हो कि नेशनल या इंटरनेशनल टाइम क्या है और उसे बीट करना है, तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। ये बात हर जगह अप्लाई होती है। तो ये एक चीज हुई। फिर बात करते हैं कंप्यूटर का। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कंप्यूटर बेसिक डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसके लिए मुश्किल से 15 दिन भी दें तो चलेगा। तो आप इसके लिए वीक में 1 आवर भी देते हैं, हर वीक 1 आवर, एवरी वीक 1 आवर इज सफिशियंट, इज इनफ, नो नीड फॉर अदर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन फॉर कंप्यूटर सेक्शन। ये 12% है, यानी इस तरह से 96% को हमने कवर कर लिया। 4% इंग्लिश को भी इंपिटस में कवर करवाया जाता है थ्रू टेस्टिंग। तो एक तरह से पूरी चीजें होती हैं, पर आपको मैं जनरल बात बता रहा हूं, ये तरीका हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन, ये बच्चे पूछते हैं हाउ कैन आई क्रैक निम्सेट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर निम्सेट। ये सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है। ये सेशन मैंने आपके हिसाब से बनाया हुआ है, इस सेशन का पर्पज यही है। तो सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम को क्रैक जब ही कर सकते हैं जब नो द सिलेबस बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ निम्सेट, यानी पहले आपको सही सिलेबस सही जानकारी पता होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट टू एडवाइज टू चेक द सिलेबस थॉरोली अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिलेक्ट द राइट बुक, मार्क्स मेक अ टाइम टेबल, सॉल्व मॉक टेस्ट। यानी जो बातें मैंने आपको बताई ये पूरी बातें मैंने इसके हिसाब से आपको समझाई है। हर एक बात जो हमें पता होना चाहिए वो मैंने इसके हिसाब से समझाया हुआ है। अब बात करते हैं कि आप एग्जाम के लिए क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है आप सेल्फ स्टडी करें, हो सकता है आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, हो सकता है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और हो सकता है आप भोपाल आके क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करें। ये 4 बातें। जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है मैं कहूंगा वो भी निकाल सकता है, जो ऑनलाइन कर रहा है वो भी, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की वो भी, जो क्लासरूम प्रोग्राम वो भी। बट हर एक में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। बस मैं एक चीज बोलूंगा, अच्छा निम्सेट के अलावा एक बहुत बड़ा एग्जाम अब सीयूटी भी हो गया, जिसके थ्रू जेएनयू डीयू या बीएचयू मिलते हैं, और निम्सेट का सिलेबस ही हर एग्जाम में काम आता है। चाहे आप सीईटी महाराष्ट्र दो, चाहे आप जामिया का एग्जाम दो, चाहे बस थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों से स्पेशली कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर हम निकाल सकते हैं कि नहीं, बट एक ही दिक्कत करते हैं कि सेल्फ स्टडी वाले कई बच्चे जो हैं वो अपनी टेस्टिंग नहीं करते। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस साल के पेपर के बाद तो और स्ट्रांगली बोलूंगा सेल्फ स्टडी प्लस टेस्ट सीरीज इज बहुत ही कंपलसरी चीज है। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप हो सकता है निकाल लें, पर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो टेक ऑनलाइन क्लास, उसके बाद भी डिसिप्लिन नहीं बन रहा तो ज्वाइन क्लासरूम प्रोग्राम। अब देखिए, जैसे आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इंपिटस गुरुकुल का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, एडवांटेज, क्योंकि मैं आपको टेस्ट सीरीज के साथ वीकली एक प्लान देता हूं कि ये हफ्ते में पढ़ना है, उससे रिलेटेड मटेरियल और उसी से रिलेटेड टेस्ट होता है। यानी आपको पता रहता है कि हर हफ्ते क्या पढ़ना है। अक्सर यह होता है कि बच्चे सेल्फ स्टडी वाले सोचते हैं पहले मैं सिलेबस खत्म करूं, टेस्ट सीरीज करते हैं ज्वाइन पर बाद में कर लूंगा, पहले पूरा सिलेबस कर लूं। उसमें नुकसान यह है कि जब आप बाद में टेस्ट देते हैं और आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो टाइम ही नहीं बचता इंप्रूवमेंट का। दूसरा, फिर किसी टॉपिक को ज्यादा टाइम देते हैं, किसी को कम। मेरे साथ, मैं एक बात बोलता हूं, हम बैलेंस पढ़ाई करें डे 1 से, तो
तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपने डे वन से मैंने आपको बताया कि इस ऑर्डर में पढ़ना चालू करें जैसे अल्जेब्रा के टॉपिक, फिर उसी ऑर्डर में आपको एक प्रॉपर मटेरियल भी मिलता है, आपको कोई और मटेरियल को नहीं देखना, फिर उसी ऑर्डर में टेस्ट मिलते हैं और उन टेस्ट पेपर का मैं लाइव एनालिसिस देता हूं, तो उससे क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक डेवलप होती, सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अब मान लो सेल्फ स्टडी से आपकी टॉपिक की क्लियरिटी ही नहीं आ पा रही और आप कहीं दूर रहते हैं, देन ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। नो डाउट इम्पीटस गुरुकुल का ऑनलाइन क्लास बेस्ट है, फिर भी मैं हमेशा ओपन माइंडेड हूं, मैं बोलता हूं आपको जिस टीचर का आज ओपन प्लेटफॉर्म है, सब जगह सारी चीजें आपको दिखती, जो आपको सबसे जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती, जिससे पढ़ के आपको अच्छा लगता है, क्लियरिटी आती, आप कर सकते हैं। बाकी मैं ये बोल सकता हूं कि जिस लेवल पे इम्पीटस गुरुकुल में क्लासेस होती है, बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल, जो मटेरियल दिया जाता है उसके एनालिसिस होते हैं, जो मटेरियल दिया जाता है वो ऑनलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, तो उनके एनालिसिस क्लासेस होती है, टेस्ट पेपर के एनालिसिस क्लासेस, टॉपिक को डिटेल में कवर करवाया जाता है, तो एक चीजें बड़ी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे होती है। और जितना कंटेंट नॉर्मली हम वन ईयर में देते हैं, जो कई बच्चे कहीं और आते हैं तो बताते हैं सर इसका तो 10% भी नहीं मिला, तो इन जनरल पर इस पे भी कोई मेरी वो नहीं, क्योंकि ये सेशन ही अलग टाइप का है। तो ये हुआ ऑनलाइन, तो आपने मान लो आपका नहीं आ रहा डिसिप्लिन, आपने ऑनलाइन करके अपने आप को तैयार कर लिया, राइट। अब ऑनलाइन के साथ बस एक चीज है, कई बच्चे बोलते हैं जैसे सर घर में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, डिसिप्लिन नहीं बनता, आप जैसे बच्चों को बुलाते हैं सुबह से 8-7 तक, बच्चे इम्पीटस में 8 बजे आते हैं, रात को 8 बजे तक रहते हैं, देन शिफ्ट मतलब फिर आप क्लासरूम प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब डिसीजन आपका है कि आपको किस तरह से एग्जाम निकालना है। मेरा एक ही पर्पज है कि कोई एग्जाम क्रैक करने का सबसे फंडामेंटल तरीका होता है उसके बारे में 100% सही जानकारियों का होना। तो ये बात हुई। अब मैंने आपको बताया अब जैसे कि आप क्रैक करने के लिए जो जो स्टेप बताई कि ऑफिशियल वेबसाइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, निमसेट सिलेबस, ये सब मैं बता चुका हूं, बस लाइन से इसलिए बता रहा हूं कि डिफिकल्टी लेवल क्या, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या, ये सब पता होना इसलिए जरूरी है। निमसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा था, उस पेपर को रियल में फील करो, उस सब के लिए भी मैं आपको बताऊंगा तरीका क्या है। यानी आपको अगर इन सब चीजों के बारे में सही इंफॉर्मेशन होगी आप सही से निकालेंगे। सर हमने यहां देखा था, हमने वहां देखा था, नो, जो देखना है ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, जो देखना ऑफिशियल वेबसाइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफिशियल, निमसेट सिलेबस मैंने बताया, उसके बाद भी मैं बोलूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, कौन से अदर एमसी एंट्रेंस एग्जाम है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये सारी चीजें आपको टाइमली। अब बात आती है कि बिल्ड योर बेसिक, तो उसके लिए बेस्ट बुक क्या है, टाइम टेबल क्या है, स्टडी पैटर्न क्या है, तो आप अपने बेसिक्स को बिल्ड करने के लिए कौन सी बुक्स लेंगे, ये आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टाइम टेबल मेरा एक मानना है कि टाइम टेबल नाम की कोई चीज नहीं होती, जब समय हो पढ़ाई करना चाहिए, अदर एक्टिविटी के लिए टाइम टेबल हो, पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल नहीं, मैक्सिमम टाइम अपनी कॉलेज या अपनी एमसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन को आपको देना चाहिए, और स्टडी पैटर्न आपको प्रॉपर, फिर आप रेगुलर रिवाइज करते रहें, इवैल्यूएट करते रहें टाइमली, उसके लिए टेस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने आप को इवैल्यूएट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं वो है ओवरथिंकिंग, मेरा होगा कि नहीं, हर दिन पढ़ते हैं, हर टेस्ट में यही होगा कि नहीं, स्टॉप ओवरथिंकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम की सफलता के लिए। अगर आप ओवरथिंक कर रहे हैं तो उसमें सफल होंगे कि नहीं पता नहीं, फेल होने के चांस ज्यादा करते हैं, तो डोंट पैनिक, बी कूल एंड डू नॉट टेक स्ट्रेस ऑन, प्रेशराइज योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, आपका बॉडी और माइंड जितना ज्यादा रिलैक्स होगा उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। खुद को प्रेशराइज मत करिए इस बात के लिए कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, खुद को प्रेशराइज मत करिए इस बात के लिए मुझे इतने घंटे पढ़ना है, जितना रिलैक्स रहेंगे जितना कूल रहेंगे, मैंने इतना सिस्टमेटिक टाइम टेबल तरीका बताया कि आप हर मॉडल में अपने आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बट हर दिन ये सोच के कि मेरा होगा कि नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं एंड स्टॉप, ये चीज आपका नहीं, आपका काम है अपना बेस्ट देना, रिजल्ट रिलेटिव है, अपने आप अगर आप बेस्ट दे रहे होगे तो आपको रिजल्ट भी बेस्ट मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। और अगर आप कॉन्फिडेंस हैं तो पक्की बात है कि एक ना एक दिन आप अवार्ड जरूर लेंगे, 100% लेंगे। अब बात आती है कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो अगर आप बुक्स की बात करेंगे तो अक्सर मैं बोलता हूं कि आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, आरडी शर्मा की बुक ले सकते हैं, आरएस, डिपेंड ऑन टाइम और लेवल, अगर आपका लेवल वीक है तो आप एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करें, अच्छा है तो आप सीधे आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक में अक्सर बच्चे जो लेते हैं वो सेल्फ स्कोरल ले सकते हैं, एररलेस नाम से होती है, या आरडी शर्मा ले सकते हैं, या हरियंत का एक कंप्लीट पैकेज आता है, या सिंगेज, या हरियंत आईआईटी या एमएल खन्ना, ये नॉर्मली बुक्स है। पर मेरा एक मानना है जो भी बुक लें, एक ही बुक लें,
इन में जैसे मैंने 6 बुक दी, इन 6 बुक को सॉल्व करने की जगह एक ही बुक को 6 बार सॉल्व कर लो तो 5ों बुक के कोई भी क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे आपको बन जाएंगे। पढ़ो ऐसे कि सब बुक सॉल्व कर सको, ऐसा नहीं कि एक बुक सॉल्व की और अगली बुक का नया क्वेश्चन आया नहीं कर पाए। आपने पढ़ाई ऐसी करनी है कि एक बुक सॉल्व करने के बाद हर कोई बुक जो भी लाए उसका 80-90% अगर आपको बन रहा है तो आप समझ लो कि आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में। पेपर में भी यही होगा। तो ये एक जनरल बात है जो मैंने आपको बताई कि आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, आप कोई ऑब्जेक्टिव आरडी शर्मा ले सकते हैं, ये एमसी एंट्रेंस ले सकते हैं, एरएलएस जेई ले सकते हैं, या हरियंत का पैकेज है, इस तरह की ये सिंगेज की बुक है, इस तरह से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी बुक लें एक ही बुक लें और उसे कंप्लीट करें और ऐसी कंप्लीट करें कि उसका रिविजन भी कर पाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सवाल रहा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर इम्पीटर ज्वाइन किया बुक की जरूरत है कि नहीं, मैं कहूंगा नहीं है, हम खुद ही इतना मटेरियल देते हैं जितनी बुक लिखी ना, इन बुक को मिला लें तो उससे ज्यादा मटेरियल होता है, पर फिर भी रेफरेंस के लिए कई बच्चे एक आध बुक रखते हैं, तो कोई भी एक बुक ले लें, सेल्फ स्कोर बहुत सारे लेते हैं, कुछ आरडी शर्मा आप रेफरेंस के लिए रखना चाहें तो रख सकते हैं, उसकी तरफ मेरी तरफ से उसका कोई वो नहीं होता। तो ये एक बेसिक चीज है। रीजनिंग के लिए कौन सी बुक है सर अच्छी, तो आर एस अग्रवाल की बर्बल नॉन बर्बल ले सकते हो, हरियंत की ले सकते हो, बी एस सहजवाल की ले सकते हो, ये 3 बुक्स हैं जिनकी ये इमेजेस हैं, आप इनमें से कोई भी बुक ले लें कोई दिक्कत नहीं है, बस जो भी लें उसे कंप्लीट जरूर करें, ये मैं बार बार बोलूंगा, तो आप इस तरह से कोई भी बुक ले सकते हैं। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे मैं आऊंगा कि हम इस प्रिपरेशन के पहले आज अगर मैं ये आप अगर आज सेशन सुन रहे हैं और मान लीजिए आज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले ये तो पता करें कि हम आज किस स्किल पे, यानी अगर मैं आज पेपर दे दूं तो 1000 में कितने मार्क्स आ सकते हैं मेरे। अब भले ही 10 आए, 100 आए, 200 आए, डजेंट मैटर कितने आएंगे। अब आप बोलोगे सर पढ़ाई नहीं की तो कैसे हम टेस्ट दे दें और हमें क्या करना है उससे, नहीं, आप बिफोर स्टार्ट इस प्रिपरेशन फॉर निमसेट एंड एनी अदर एमसी एंट्रेंस एग्जाम जस्ट इवैल्यूएट योर सेल्फ। कैसे करेंगे, तो इम्पीटस गुरुकुल ने एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सीरीज रखी हुई है, इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसकी कोई फी नहीं है, केवल 100 रुपीज डेटा हैंडलिंग चार्ज है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो 100 रुपीज चार्ज करती बस। तो आप इसके थ्रू क्या क्या एडवांटेज ले सकते हैं मैं बताता हूं, बाकी उसका कुछ भी नहीं है इसमें 100 रुपीज, क्योंकि वो आप वो भी समझते हैं ऑनलाइन चीजें हैं जो मैनेज करता है वो, ये डेटा हैंडलिंग चार्ज है। तो आपने 100 रुपीज पे किए, आपके पास निमसेट 23 का पेपर आएगा, 22 का पेपर होगा, 21 का होगा, 20 का होगा, सीयूटी के पेपर होंगे ओरिजिनल, इससे आपको और भी जो भी एग्जाम होंगे उनके भी कुछ कुछ पेपर्स दिए हुए, पर अभी बात करें तो सबसे पहले आपने एग्जाम दिया। अब आपने एग्जाम दिया और हो सकता है आपको रीजनिंग कुछ पार्ट बनती है, मैथ्स जो भी आपने अब तक पढ़ी उसके बेस पे आपने मैथ्स में 30-40 नंबर कमा लिए, कंप्यूटर कमा लिए, उससे आपको एक सही असेसमेंट मिलेगा और ऑनलाइन फॉर्म में टेस्ट है, ऐसे देखोगे तो कभी भी नहीं होगा, जब आप प्रॉपर टेस्ट देते हो जब पता चलता है फीलिंग ऑफ टेस्ट। तो कई बच्चे जब जो जैसे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में होते हैं, सर हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, मैं बोलता जरूरत ही नहीं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दोगे तो वही फील आएगा जो एग्जाम जाके दे रहे हो, 2500 रुपए खर्च करने जाती है और वैसे भी अलाउ नहीं है, अलाउ भी नहीं है, पर फिर भी जनरल बात करूं तो ये एक चीज हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के थ्रू अपने आप को या सीयूटी का पेपर दोगे असेस कर पाओगे। मान लीजिए आपके 100 नंबर आए और आपको कम से कम 600, 700, 800 नंबर तक पहुंचना है, डिपेंड ऑन पेपर, अगर पेपर टफ होगा तो 400 नंबर भी इनफ है, पेपर इजी होगा तो 600 नंबर के आसपास जाना पड़ेगा, यानी एक रेंज है। तो आपको 300 नंबर से लेके 500 नंबर तक बढ़ाना है, ये आपको कैसे पढ़ना है इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग से अब तक की एक प्रॉपर गाइडलाइन दी, एक प्रॉपर गाइडलाइन दी कि आप क्या कर सकते हो। तो ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ये पूरा सेशन, इंटायर सेशन मैंने इसलिए लिया कि आप सेल्फ स्टडी करें, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज करें, मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पहले सही इंफॉर्मेशन लें, आप इम्पीटस गुरुकुल का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के थ्रू अपने आप को पहले चेक करें फिर डिसाइड करें। पर मैं इतना जरूर बोलूंगा, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में लें, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, क्लासरूम के लिए आएंगे तो क्लासरूम में टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। तो आप इस ढंग से प्रिपरेशन करें, मैंने लगभग सारी इंफॉर्मेशन दी है। सीयूटी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निमसेट का उससे कम या उससे और रिलैक्स क्राइटेरिया सीयूटी का होता है, इसलिए अलग से कोई और क्राइटेरिया को देखने की जरूरत नहीं है, अलग से किसी और सिलेबस को देखने की जरूरत नहीं है, अलग से किसी और एग्जाम के पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले डीयू का एग्जाम अलग होता था और उसका सिलेबस काफी हाई लेवल होता था, बट अब वो भी सीयूटी में आने से वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई।
तो ये मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। फिर भी कोई इंफॉर्मेशन आपको लगता है रह गई है या कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर 7 में दिया है। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम जरूर जवाब देंगे, और लगेगी जरूरत तो मैं और भी कोई सेशन लूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।